हर हर महादेव। देखिए एक प्रश्न है, लिख रहे हैं कि आचार्य श्री को सादर दंडवत प्रणाम। मैं पंडित ओम प्रकाश शर्मा गौतम, गौतम गोत्री भोपाल मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि आदरणीय दक्षिणाग्नि किसे कहते हैं, दक्षिणाग्नि क्या होता है, कौन सी अग्नि है। देखिए ये वैदिक अग्नि है, वैदिक अग्नि है। यद्यपि हमारे यहां प्रत्येक कर्म की अलग अग्नियों का अलग अलग नाम है, सभी संस्कारों में किस संस्कार में किस नाम की अग्नि होनी चाहिए, और भी वास्तु इत्यादि कर्म में क्या अग्नि होनी चाहिए, सांतिक कर्मों में, पौष्टिक कर्मों में, है ना, इष्ट कर्मों में, पूर्त कर्मों में कौन कौन सी अग्नियों के नाम है, और तो और पेट की अग्नि का भी नाम है, समुद्र में रहने वाली अग्नि का भी नाम है, कई तरीके की अग्नियां हैं। मुख्य रूप से 49 अग्नि हैं, 49 पवन हैं, 49 भैरव हैं, 49 मर्दगण हैं, ये सब। तो अग्नियां और भी हैं, तो ये तो एक अलग बात है, ये तो सामान्य बात है। मुख्य रूप से पंचाग्नि की स्थापना होती है जिसमें दक्षिणाग्नि आती है। ध्यान देना कि एक जो है अग्निहोत्री होते हैं, अग्निहोत्री दो प्रकार के होते हैं, एक सर्वाधानी और एक अर्धाधानी। तीन अग्नियां वैदिक अग्नि हैं, गार्हपत्य अग्नि, आहवनी अग्नि और दक्षिणाग्नि, ये वैदिक अग्नि है। तो जो अग्निहोत्री होते हैं, अग्निहोत्र की दीक्षा लेते हैं, प्रायः पहले सभी लोग अग्निहोत्री होते थे, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी। श्रीमद् भागवत में या महाभारत में है कि महाभारत काल में प्रायः लोग अग्निहोत्री हुआ करते थे, पांचों पांडव इधर से, ये सब भगवान श्री कृष्ण भी अग्निहोत्री थे, प्रातःकाल सायंकाल ये सब हवन होता है। तो उनकी पांच अग्नियां होती हैं, जिनकी पांच अग्नि होते हैं वो सर्वाधानी कहलाते हैं। तो तीन तो वैदिक अग्नि, श्रौताग्निक इनको कहते हैं श्रौताग्नि, और दो होती हैं स्मार्त अग्नि, ग्रहियाग्नि, इनका दूसरा नाम ग्रहियाग्नि भी है। तो वो क्या है, दूसरी अग्नि है आवसत्य अग्नि और सभ्याग्नि। तो ये पांचों अग्नि, आवनी अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि और आवसत्याग्नि और सभ्याग्नि, ये पांच अग्नियों का जो स्थापन करके और नित्य प्रति विधि पूर्वक इनमें अग्निहोत्र करते हैं, वे श्रौताग्निक या जो है सर्वाधानी कहलाते हैं, वैतानिक भी उनको कहा जाता है। तो ये पांच प्रकार की अग्नियां हैं, और जो केवल दो अग्नियों की स्थापना करते हैं, आवसत्यादानंतुदार काले, आवसत्याग्नि और सभ्याग्नि दो की स्थापना करके रखते हैं, जो ग्रहियाग्नि है तो उनको अर्धाधानी कहते हैं, आधा आधान करने वाले, स्मार्त स्मार्त अग्निहोत्री कहते हैं उनको। इस तरीके से ये है व्यवस्था। तो अब ये जो अग्निहोत्री होते हैं, श्रौताग्निक होते हैं जो, तो उनकी फिर व्यवस्था अलग अलग है कि उनका जो भी यज्ञ इत्यादि करेंगे, वे जो पाक सात पाक संस्थाएं होती हैं, सात सोम संस्थाएं होती हैं, सात अग्र संस्थाएं होती हैं, ये यज्ञों के नाम हैं। तो ये जो वैदिक अग्नि है इनमें सोम संस्था और हविर संस्थाओं का हवन होता है, इनके यज्ञ होते हैं, इसी अग्नियों में ही होंगे ये। और तथा ये जो यज्ञ पाक संस्था हैं,
इन पाक संस्थाओं के जो भी हवन है, इनकी जो आहुतियां हैं, पाक संस्था की जो यज्ञ हैं, ये स्मार्त अग्नि में होती हैं। तो ये गृह सूत्र के अनुसार होता है और वे दोनों श्रुत सूत्र के अनुसार होती हैं। इस तरीके से 21 संस्था हैं। जैसे कि हमने देखा सुना है वैदिक अग्नि, इसी तरीके से वैदिक यज्ञ हैं। तो वैदिक जो भी यज्ञ हैं वे यज्ञ वैदिक अग्नि में ही हो सकती हैं और सर्वाधानी ही कर सकता है। प्रायः ये कलयुग में नहीं है, अब ह्रास होता जा रहा है, इसलिए वैदिक अग्नियों को स्थापित न करने के कारण ही वैदिक यज्ञों को कलयुग में स्थगित कर दिया गया है। शास्त्रों में वचन है कि ये यज्ञ कलयुग में नहीं हो सकते। जैसे अश्वमेध, गोमेध, नरमेध और बाजपेय, सौत्रामणि, सोमयाग, बहुत से यज्ञ हैं। ये यज्ञ जो है अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, ये कलयुग में जो है सबकी अनुमति नहीं है। तो ये जितने भी यज्ञ हैं वे यज्ञ वैदिक अग्नियों में ही होती हैं। तो किस यज्ञ में कौन कौन सी आहुति किस अग्नि में गिरेगी, ये भी व्यवस्था है। भाई ये आहुति आवनी अग्नि में और होता के द्वारा होगा, है ना। होता करे कि चारों वेदों से संबंधित चार ऋतुक होते हैं, होता, अध्वर्यु, उदगाता, ब्रह्मा, फिर इनके चारों के चार चार भेद हो जाते हैं, है ना। तो उस तरीके से भाई ऋतुक हो जाते हैं, 16 ऋतुक हो जाते हैं, फिर और भी भेद हो जाते हैं उनके, तो और ज्यादा ऋत्विज हो जाते हैं। तो कौन सा ऋत्विज किस प्रकार किस मंत्र का उच्चारण करते हुए क्या क्रिया करते हुए कैसे कौन सी अग्नि में आहुति देनी है, तो ये सब व्यवस्था है। दक्षिणाग्नि में कौन सी देनी है, कौन सी गारहपत्य अग्नि में देनी है, कौन सी आवनी अग्नि में देनी है, आवसत्य में किस आहुति का आधान होगा, सभ्याग्नि में क्या प्रक्षेपित होगा, किसकी आहुति दी जाएगी, किस प्रकार दी जाएगी, ये सब व्यवस्था है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमारे जो मुख्य अग्नि है, अग्नि की परिचर्या ही ब्राह्मणों का मुख्य कार्य है। आप वेदों में देखेंगे तो अग्नि, अग्नि स्वरूप, अग्नि भगवान का ही स्वरूप है, तो अग्नि रूप की जो भगवान की जो कला है इसकी आराधना ही ब्राह्मणों का परम कर्तव्य बतलाया गया है। सुबह सायं जो होती, प्रातः जो होती, इनका हवन करना, ये सब बहुत बड़ी व्यवस्था है। कभी अग्निहोत्र पर और भी विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। ये दक्षिणाग्नि या वैदिक अग्नि अथवा स्मार्त अग्नियों का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिससे कि हमारा उसमें प्रवेश हो, जानकारी हो, ठीक है जी। और इसके अग्निहोत्र कैसे होता है, क्या होता है, अग्निहोत्री के क्या कर्तव्य होते हैं, अग्निहोत्री यदि कहीं जाता है तो कैसे जाएगा, अग्निहोत्री के पत्नी के क्या क्या कर्तव्य हैं, अग्निहोत्री जब मृत हो जाता तो उसकी जो क्रिया संस्कार इत्यादि का अलग से विधान है, किस समय उसको क्या करना चाहिए, ये सब है। अग्निहोत्री की यदि पत्नी मर जाती है तो फिर व्यवस्था अलग बन जाती है, वो अग्नि जो है कि पिता के होते रह ले सकता है कि नहीं ले सकता, अग्नि की कैसे सुरक्षा और क्या करना है। अग्निहोत्रियों का भोजन भी इसी अग्नि के द्वारा कही हुई अग्नि पे ही बनता है, अपनी अग्नि पे ही बनाएंगे, किसी अग्नि पे वो कुछ खा पी नहीं सकते कहीं का, बड़े नियम है उनके। इस तरीके से व्यवस्था है। ये कलयुग में भी अभी कुछ धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने कुछ लोगों को गिनवाया था, तो कुछ गिने चुने लोग ही थे। कई लोगों को जो उत्तर भारत में अग्निहोत्र की दीक्षा दिलवाई, अग्निहोत्री उत्तर भारत में प्रायः जो है समाप्त से हो गए थे, तो कई लोगों को उनका को पूरी व्यवस्था करके संरक्षण भी किया। बाकी के अभी दक्षिण में कुछ अग्निहोत्री हैं, वो सर्वाधानी तो बहुत ही कम है, अर्धाधानी है कुछ, ये सब व्यवस्था है। तो ठीक है, आगे फिर इसके बारे में कुछ और भी बतलाएंगे। हर हर महा